संसद के दोनों सदन में आज भी हंगामा। राज्यसभा में अजय मिश्रा टेनी को लेकर विपक्षी सांसदों का हंगामा। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। बारह सांसदों के निलंबन को लेकर राज्यसभा के विपक्षी सांसदों का गांधी प्रतिमा के सामने धरना। बिना शर्त निलंबन रद्द करने की लगातार मांग पर अड़े। जो भी हमें सजा दी गई, हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जनता की आवाज प्रखरता से उठा रहे हैं, ना डरेंगे ना माफी मांगेंगे। लोकसभा में आज की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा शुरू। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा चेनी के इस्तीफे की मांग। हर माननीय सदस्य को बोलने का मौका दूंगा, देर रात को 12 बजे तक सदन चलाऊंगा। अपनी अपनी बजा के बिराजे। संसद की कार्यवाही से पहले बीजेपी संसदीय दल की दिल्ली के अंबेडकर सेंटर में बैठक। निलंबन खत्म करने के लिए फिर रखी माफी मांगे सांसदों के सामने। तो फिर माफी की मांग, उनके सस्पेंशन को रिवोक करने की। वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने वाला चुनाव सुधार बिल लोकसभा से पास हुआ, विपक्ष ने जबरदस्त विरोध किया। वोटर आईडी को आधार से जोड़ने वाला बिल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है आज। कांग्रेस और बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया। लोकसभा में आज महंगाई के मुद्दे पर चर्चा प्रस्तावित है, लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ सकता है मुद्दा। पिछले कई दिन से हंगामे की वजह से नहीं हो पा रही चर्चा। उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी की नाराजगी का असर हुआ है। योगी सरकार ने केंद्र को चिट्ठी लिखी है, मांझी केवट मलाह और निषाद को अनुसूचित जाति में शामिल करने का अनुरोध किया है। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में सीएम पसंद के तौर पर योगी अखिलेश में गैप घटा। योगी को सीएम चाहने वाले अब भी 42% पर बने हुए हैं, अखिलेश का ग्राफ 1% बढ़ा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर जोरदार प्रहार। बोले, छोटी सोच वाले कभी बड़ा काम कर नहीं सकते, पिछली सरकारें केवल परिवार तक ही सोचती थी। जौनपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यूपी के सीएम योगी की तारीफ की है। कहा, गुंडागर्दी खत्म करने, मां बहनों की सुरक्षा और रोजगार पर जोरदार काम हुआ है, यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कर दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी का आज फिर से मिशन यूपी है। आज प्रयागराज का दौरा, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को पीएम मोदी देंगे 1,000 करोड़ की सौगात। दोपहर 2 बजे रैली को भी संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव राजेश दीक्षित बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सदस्यता दिलाई। मिर्जापुर में बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। कहा, ये नाथ संप्रदाय के हैं, जो ब्राह्मण टीका लगाता है और चोटी रखता है ये उसके विरोधी हैं और ठिकाने लगाने का काम कर रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष रामबाबू हरित का विवादित बयान। बोले, सवर्ण एससी एसटी एक्ट समेत सरकार की तमाम योजनाओं का दुरुपयोग करते हैं। मैंने कई सवर्णों पर कार्रवाई कराई और आगे भी कराऊंगा। पीलीभीत में आयोजित बांसुरी महोत्सव पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने सवाल उठा दिए। कहा, व्यापार मंडल संगठनों से लिए गए 1-1 लाख रुपए वापस कराने के लिए डीएम को चिट्ठी लिखूंगा। दिल्ली में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मुलायम सिंह यादव की मुलाकात। दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक हुई बातचीत। उपराष्ट्रपति के निजी कार्यक्रम में शामिल हुए थे दोनों। कांग्रेस ने साधा निशाना, नई सपा से स का मतलब संघवाद। एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अपने गढ़ में भरेंगे हुंकार। मैनपुरी से एटा तक निकालेंगे विजय रथ यात्रा, कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज से दो दिन का गोवा दौरा है, जनसभा को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आज एक क्रिकेट मैच खेलने के दौरान चोट लगने से घायल हो गए। देहरादून में हो रहे मैच के दौरान वो रन लेते वक्त गिर पड़े और उन्हें चोट आई। पंजाब में 7 साल बाद ड्रग्स केस में पूर्व मंत्री मजीठिया के खिलाफ दर्ज हुआ केस। सिद्धू के लगातार सवाल के बाद चन्नी सरकार ने बनाई एसआईटी। अकाली दल ने कहा बदले की भावना से हो रही है कार्रवाई। पंजाब में सुखदेव सिंह ढींडसा की पार्टी शिरोमणि अकाली दल संयुक्त में बीजेपी से गठबंधन पर बगावत के आसार हैं। आज की बैठक में होगा फैसला। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला, बोले काट की हांडी एक बार ही चढ़ती है, केजरीवाल जहां जाते हैं झूठ ही बोलते हैं। वो अफवाहों पे ही बातें करते हैं और अफवाह फैलाते हैं और काट की हांडी एक बार चढ़ती है। वो दिल्ली में तुम्हारी काट की हांडी चढ़ गई है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ को लेकर बड़ा दावा किया था। पंजाब को दिया जा सकता है चंडीगढ़ को, ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया था। अभी हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने अरविंद केजरीवाल को भटकी हुई आत्मा बताया, कहा वो लोगों को गुमराह करते हैं। पंजाब चुनाव प्रचार में प्रकाश सिंह बादल की एंट्री, मुक्तसर साहिब में अकाली दल के प्रचार में रहे शामिल, बोले सेहत ठीक रही तो प्रचार में उतरूंगा। कर्ज माफी की मांग को लेकर पंजाब में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का रेल रोको आंदोलन, चन्नी सरकार की बड़ी मुश्किल, 50 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हुई। पंजाब में स्वर्ण मंदिर में बेअदबी के मामले के बाद डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी, बेअदबी के मामलों के लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान करने की मांग की, 2018 से लंबित है बिल। पंजाब में एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कपूरथला मामले में गिरफ्तार ग्रंथी को रिहा करने की मांग की, बोले बेअदबी के मामलों की जांच के लिए एसजीपीसी बनाएगी 2 सदस्यीय कमेटी। कोलकाता नगर निगम के रुझानों में टीएमसी को बहुमत, 144 में 100 से ज्यादा सीटों पर टीएमसी को बढ़त। टीएमसी की जीत की खबरों के साथ ही कोलकाता में ममता के घर के बाहर जश्न। कोलकाता के कालीघाट में भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न। यूपी चुनाव से पहले उन्नाव से बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को बड़ी राहत, रेप पीड़िता पर गाड़ी चढ़ाने के केस में बरी, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट को नहीं मिला कोई सबूत। जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन यानी आईआरएफ को गैरकानूनी संगठन घोषित करने की केंद्र सरकार की मांग पर यूएपीए ट्रिब्यूनल ने नोटिस जारी किया, 28 दिसंबर को अगली सुनवाई। पाकिस्तान की बड़ी साजिश बेनकाब, गुजरात के समंदर से 6 पाकिस्तानी 400 करोड़ रुपए की 77 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार, अली हुसैनी नाव के जरिए ड्रग्स की खेप लाई जा रही थी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।